नमस्कार, मैं चंद्रकला सिंह, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर। आज मैं हूँ आदिशक्ति स्टूडियो में और मैं आपके साथ आज रूबरू होने जा रही हूँ। जर्नी मेरी लाइफ की ये है कि मैं 8 साल की उम्र से इस लाइन में हूँ। मेरे घर में ही ये था, मेरे फादर म्यूज़िक डायरेक्टर थे और मुझे गॉड गिफ्ट भी था, उसके बाद ब्लड में भी था, कुछ मुझे सिखाया भी गया। तो मैं 8-10 साल की उम्र में प्रॉपर एक आर्टिस्ट बन चुकी थी। 13 साल की उम्र में मेरा HMB में रिकॉर्ड आ गया था, जो मैंने 4 गाने उसमें गाए थे। चरणजीत आहूजा जी का म्यूज़िक था उसमें। और उसके बाद टी सीरीज में गाया है, बहुत सारे माता रानी के जागरण करती थी मैं। फिर मिडिल क्लास की थी तो फादर की डेथ होने के बाद फिर मुझे घर की जिम्मेवारी हो गई, तो मेरी 3 बहनें और एक भाई था, तो उनको लेके मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है और आज वो सब अपने अपनी जगह पे सेट हैं। मेरा भाई जो है वो बॉलीवुड का बहुत बड़ा हेयर आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट है, पॉम्पी हंस। वो करीना कपूर का पर्सनल है और आजकल बहुत सारी हीरोइनों के साथ उसने काम किया है, आप सब ऑलरेडी जानते हैं। और मेरी जर्नी फिर उसके बाद बॉम्बे आने मौका मिला मुझे, वो भी काफ़ी छोटी थी मैं, 14 साल की एज में। राज कपूर जी के साथ मुझे बैसाखी नाइट पे उनके सामने 3 गाना गाने को मौका मिला, वो बहुत बड़ा चांस था मेरे लिए बैसाखी शो में बॉम्बे में। तो राज कपूर जी ने मुझे बुलाया भी था, उन दिनों में उनका जो हिना पिक्चर का प्लान था, तो उस टाइम पे हम लोग उनसे मिलने भी गए, पर लेकिन हम लोग मिल नहीं पाए, वो लेट आए स्टूडियो में, तो हम लोग को बॉम्बे पंजाब वापस आना था, तो फिर हम लोग वापस आ गए। तो उसके बाद वापस फिर मैं बॉम्बे आई, तभी बॉम्बे में मेरे सुपर हिट गाने हैं, 2005 में मैं आ गई थी और वहाँ पे फर्स्ट सॉन्ग मेरा था मौसम फिल्म का। मौसम में मैंने गाना गाया था, सज धज के टशन में रहना, मिक्का सिंह के साथ ड्यूट सॉन्ग था मेरा। आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया, आया ते सदा रंग लिया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया, सज धज के टशन में रहना, ओ बन ठन के जशन में रहना। ये गाना मेरा था मौसम फिल्म का, शाहिद कपूर की फिल्म थी वो। उसके बाद मेरा खिलाड़ी 76 में था, अक्षय कुमार की पिक्चर थी वो, हिमेश रेशमिया जी का म्यूज़िक था उसमें, मैंने और जावेद अली ने गाया है तुहूर परी, वो भी बहुत अच्छा गाना है, उसमें मैंने सूफी गाया है। इश्क आप भी अवला ए दे कम भी अवले, ओ जी दे पेश पे जावे कख छड़दा ना पले, जावो नी कोई मोड़ ले आओ ते मेरा यार गया जे लड़के, अल्लाह करे आ जावे सोना ते देवा जान कदमा विच तर के। तू हूर परी है लाजवाब, 14वीं का चांद है आफताब, मैं शहजादी तू मेरा नवाब, टिंगड़ंग डिंगड़ंग डिंगड़ंग टिंगड़ंग डिंगड़ंग डिंगड़ंग। ये गाना था अक्षय कुमार जी की फिल्म का खिलाड़ी 76। पार्टनर फिल्म का गाना था, आपने बहुत पसंद किया है, उसमें मेरी एक ही लाइन थी, तेरे भी नखरे सोने लगते मैनू, तेरे भी नखरे सोने लग दे, तेरे भी नखरे सोने लग दे मैनू, तेरे भी नखरे सोने लग दे। वो कहती पो पप्पी जैम कहती है, वो जाना जाना कहती पो पप्पी जैम कहती है। तो ये सब गाने मेरे फिर मुझे बॉलीवुड में मिले और अच्छे डायरेक्टरों के साथ, म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ काम करने को मिला मुझे, और आगे भी मेरे बहुत सारे गाने आ रहे हैं। पंजाबी पिक्चरों में मैंने काफ़ी गाने गाए हैं, सूफी गाना एक मेरा बहुत फेमस है कमली, वो गाना बहुत पसंद किया गया। एक बार मैं साउथ में गई तो वहाँ मैंने एक प्रोग्राम पर देखा कि एक साउथ इंडियन लड़की कमली को गा रही है, तो बुल्ले शाह जी का कलाम है, वो कोई भी गा सकता है,
लेकिन ये वाला गाना मेरा वहाँ गाया जा रहा था। उसकी दो लाइनें सुनाती हूँ आपको। हाजी लोग मक्के वाले जांदे साडे दिल विच 900 मक्का। हाजी लोग मक्के वाले जांदे साडे दिल विच 900 मक्का। विचे हाजी विचे काजी विचे चोर चक्का। मेरा रांझा माही मक्का, मेरा रांझा माही मक्का। नी में कमलियां हक कमली कमली कमलियां। ये गाना था मेरा पंजाबी फिल्म प्यार न मन्ने हार। और अभी इसी गाने को वापस मैं थोड़ा डीजे टेस्ट में लेके आ रही हूँ, आप बहुत जल्द सुनोगे। इसके साथ अभी मेरा हाल ही में मनोज तिवारी जी के हाथों से मेरा नारी शक्ति गाना रिलीज़ हुआ है और वो गाना मेरा बहुत पसंद कर रहे हैं सब लोग, और आप भी ज़रूर देखिएगा उसको। और वो गाना मैं आपको दो लाइनें सुनाती हूँ, नारी शक्ति। एक दिन मैं ऐसे बैठी थी बहुत उदास, मैं आजकल के माहौल को देखते हुए मैं बड़ी परेशान थी कि बच्चियों के साथ जो हादसे हो रहे हैं, आशिफा का जो हादसा चल रहा था उन दिनों में और दिल्ली में जो कांड हुआ निर्भय कांड, तो उनको लेके मैं बहुत टेंशन में थी। मैंने क्या करूँ ऐसा कि जिससे मैं अपनी आवाज़ के जरिए लड़कियों को प्रोटेक्शन दूँ। तो वो गाना एक दिन मैंने अपने राइटर जो हैं उनको बोला कि आप मुझे एक गाना लिख के दीजिए इस वजह इस तरह का। तो उन्होंने मुझे तुरंत गाना लिख के दिया, उसको मैंने कंपोजिशन किया और मैंने गाया। और आज वो गाना मेरी उम्मीद से ज़्यादा बढ़कर, उसका वीडियो, उसका जो तर्ज है, जो उसका हर चीज़ बहुत बढ़िया बनी है। आप ज़रूर देखिएगा, बच्चियों के ऊपर है। जो बच्चियाँ आगे बढ़ी हैं, चाहे वो बिजनेस में हैं, चाहे वो आर्मी में हैं, चाहे वो फ्लाइट में चलाती हैं, चाहे वो एवरेस्ट पे गई हैं, ऐसी बच्चियों को लेके मैंने वो वीडियो बनाया है। चाहे वो गांव में भैंस का दूध निकालते हुए या ट्रैक्टर चलाते हुए या गाड़ी चलाते हुए, वो लड़कियों को लेके मैंने ये सब जो है वीडियो बनाया है। मैं दो लाइनें सुनाती हूँ नारी शक्ति के लिए। घर में हो या मैदान में, धरती पे आसमान में, जलवा तुम्हारा हर काम में, हर क्षेत्र में है ज्ञान और विज्ञान में, जलवा तुम्हारा है। नारी शक्ति। वंदे मातरम। ये गाना है और आप जरूर इसको देखिए और सुनिए। बहुत ही नारियों के लिए मैंने ये गाना अच्छा बनाया है। और मैं ऑलरेडी वर्ल्ड पार्लियामेंट की मेंबर हूँ। वर्ल्ड पार्लियामेंट एक बहुत बड़ी संस्था है अमेरिका की, वो भी नारियों के और बच्चों के ऊपर ही काम करती हैं। और यूनाइटेड नेशन ने वैसे भी अभी 50-50 एक नाम रखा है, कैंपेन 50-50 का मतलब है कि औरतें और आदमियों का हक 50-50 होना चाहिए, वो हक हमें लेने हैं। तो ये 2030 और 2020 जो है 10 साल जो है वो नारियों को दिए हैं यूनाइटेड नेशन ने। तो ये हम लोग को करके दिखाना है। और बहुत सारी बच्चियां जो डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, जो हादसों से पीड़ित हैं, प्लीज़ मैं उनको ये बोलूँगी कि आपको डरना नहीं है। जो भी इंसान आपके साथ गलत करता है वो गलत है, आप गलत नहीं हो। आपको आगे बढ़ के उसको सज़ा दिलानी है। और आजकल कानून, हाई कोर्ट का ये कानून है कि लड़की का नाम कहीं भी नहीं आएगा, जो भी उसका नाम हाईलाइट करेगा उसको भी सज़ा होगी और पूरी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो चाहे वो मीडिया वाला हो। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि हादसा जब होता है लड़की के साथ उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, वो झंझोड़ी जाती है, उसका स्वाभिमान टूट जाता है। तो वो करने वाले को सज़ा दिलानी है, खुद टूटना नहीं है। आप आगे बढ़ो, समाज भी आपके साथ आगे बढ़ेगा। मैं चाहती हूँ समाज भी, जब लड़की ऐसे हादसे से गुजरती है तो
तो बहुत सारे औरतें उसके देख के मुंह घुमा लेती हैं, अरे इसके साथ ये हुआ, उसके ऐसा नहीं करना है। आप भी उसका साथ दीजिए ताकि वो उसका कसूर नहीं है। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, एक सोशल वर्कर भी हूँ, आजकल मैं वर्ल्ड पार्लियामेंट की मेंबर हूँ, गांधी पीस फाउंडेशन इंटरनेशनल की भी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो मैं ये बातें अपने देश के लिए करना चाहती हूँ। एक सिंगर होने के नाते तो मैंने अपने आवाज़ के थ्रू आपको ये गाना पहुँचाया है, एक सोशल वर्क ही है ये मेरी तरफ से एक। तो एक मैं किन्नरों के ऊपर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि जो असली किन्नर हैं वो भी चाहते हैं, वो भी हमारी माँ के ही जने हैं। हार्ट एक, दिल एक है, शरीर एक है, सांसें वही हैं, नैनक्ष वो हैं, तो वो हमसे अलग कहाँ हैं। जिस माँ से हमने जन्म लिया उसी से उन्होंने भी लिया है। तो मैं चाहती हूँ कि उनको भी अपनाओ। मैं अभी एक बहुत बड़ा नारी शक्ति के गाने के बाद उनके लिए गाना लेके आने वाली हूँ, उनके इमोशन को लेके। तो मैं चाहती हूँ समाज में उनको भी अपनाया जाए, वो भी हमारा ही हिस्सा है, चाहे वो मेरी बहन है चाहे वो भाई है, तो हमारा तो है। तो उनको भी अभी मैंने बहुत बड़ा एक हमारे किन्नर हैं दिल्ली के माँ भवानी, उन्होंने एक बच्ची को, कोई 5 साल की उनके पास कोई किन्नर छोड़ गया था बच्चा, तो उन्होंने उसको पूना में हॉस्टल में पढ़ाया, इंजीनियरिंग करवाई है और वो अभी वो 21 साल की हैं। तो उनको देख के, क्योंकि माँ ने बोला, बच्ची ने खुद स्पीच दी थी थोड़े दिन पहले कि मैं इनके पास जब आई तो मुझे इन्होंने किन्नर नहीं बनाया, मुझे नाच गाना नहीं सिखाया, मुझे पढ़ा के इंजीनियर बनाया। आज वो बॉडी बिल्डिंग कर रही है और बॉडी बिल्डर पहली वो होगी किन्नर जो वर्ल्ड चैंपियन लड़ने वाली है। तो आप भी ऐसे अपने को बाहर मत निकालिए, अगर हमारे घर में कोई किन्नर पैदा हुआ है तो उसको गले से लगाइए, उसको पढ़ाइए लिखाइए, उसको उस लायक बनाइए ताकि वो गलत काम ना करे रोड पे जाके, जहाँ वो डांस ना करे, जहाँ वो उनको उसको लोग नफरत से ना देखें। प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है समाज से। मेरे सारे इस काम को देखते हुए जो मैं सोशल वर्क कर रही हूँ, या गाने के जरिए या अपनी आवाज़ के जरिए, उसको देखते हुए मुझे भारत सरकार ने मेरा पोस्टर टिकट भी जारी किया है और मेरे बहुत सारे अवार्ड भी हो गए हैं। खंडवा में मुझे हिंदी साहित्य की तरफ से मुझे कोयल कोकिल का अवार्ड मिला था और मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला है और भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर अवार्ड भी मिला है और भगत सिंह, शहीद भगत सिंह अवार्ड भी मिला है और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा और बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड मुझे मिल चुके हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शिवा दादू जी का, जिन्होंने अपने स्टूडियो आदि शक्ति में मुझे बुलाया है और मेरा जो आमने सामने रूबरू आपसे मैं जो बात कर रही हूँ उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिवा दादू जी।